हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए न्यू जॉब का अपडेट लेकर आ गए हैं और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं IDFC बैंक के जॉब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकाला गया है, बैंक में सीधी भर्ती निकाला गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में आपको अपडेट किया जाएगा। इस वीडियो में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा कि आपको यहाँ पे IDFC बैंक में आपको किस किस पद पे, किस किस लोकेशन पे जॉब देखने को मिलेगा, जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल आपको यहाँ पे किस प्रकार निकालना है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, योग्यता क्या मांगा गया है और किस प्रकार से आपको यहाँ पे IDFC बैंक में कैसे आवेदन करना है, यानी कि अगर आप एलिजिबल हैं तो कैसे अप्लाई फॉर्म मिलेगा, फॉर्म को कैसे भरना है, पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में दिया जाएगा। सो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, आपको बैंक में जॉब करना है अच्छे खासे पोस्ट पर, अच्छे खासे सैलरी पैकेज के साथ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। वीडियो में आपको सारी जानकारी दी जाएगी यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में। एंड आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में भर्ती आ गया है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आ गया है, नो फीस है, यानी कि हर एक कैंडिडेट फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, कोई आवेदन शुल्क अप्लाई चार्ज नहीं लगने वाला है। और यहाँ पे दोस्तों 10th पास, 12th पास और ग्रेजुएशन वालों के लिए भी जॉब देखने को आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें सैलरी के बारे में तो गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहाँ पे IDFC बैंक के रूल के हिसाब से। बाकी आपको यहाँ पे फॉर्म भरना बताया जाएगा इस वीडियो में, यानी कि जो लोग यहाँ पे अप्लाई करना सीखना चाहते हैं उन्हें यहाँ पे फॉर्म भरना भी सिखाया जाएगा। तो क्या करना है, वीडियो पे बने रहना है। बाकी यहाँ पे आपको ऑल इंडिया के कैंडिडेट, मेल फीमेल सभी के लिए जॉब देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है तो वीडियो पे बने रहिएगा। एंड हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूँ। काफी लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा भगा के देखते हैं। तो यार देखो, वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना है क्योंकि इस वीडियो में आपको सारा डिटेल जानने को मिलेगा कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे IDFC बैंक का रिक्रूटमेंट का प्रोफाइल निकालना है और कैसे आपको आवेदन करना है, अप्लाई फॉर्म कैसे मिलेगा, सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो पे बने रहना है। अब आपको करना क्या है, अगर आपको यहाँ पे IDFC बैंक का रिक्रूटमेंट का डिटेल निकालना है तो सिंपल सा स्टेप है। सबसे पहले तो आपको अपने फोन में कोई भी ऐसा ब्राउजर ओपन करना है और सर्च बॉक्स में सर्च कर लेना है PixelTechJob, PIXEL पिक्सल, TECHTechJOB इतना टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे PixelTechJob सर्च करोगे तो यहाँ पे टॉप पे वेबसाइट आ जाएगा। PixelTechJob डोमेन नेम भी देख सकते हैं PixelTech12.blogspot.com। इसी वेबसाइट पे आपको विजिट करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल जॉब्स के अपडेट, आर्टिकल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको IDFC बैंक के रिक्रूटमेंट के बारे में आर्टिकल देखने को मिल जाएगा जो कि आज की ही डेट को अपडेट किया गया है। सो आपको क्या करना है, आपको इस आर्टिकल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आर्टिकल ओपन हो जाएगा। इस आर्टिकल में आपको IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रिक्रूटमेंट के बारे में सारा डिटेल मिल जाएगा। टोटल ओपनिंग क्या है, किस किस पद पे जॉब है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन कैसे होगा और सबसे जरूरी तो आपको यहाँ पे अप्लाई का लिंक वगैरह भी मिल जाएगा। तो आप लोगों को जो ये आर्टिकल है अच्छे से रीड कर लेना है। मैं आपको मेन मेन पॉइंट बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे IDFC फर्स्ट बैंक में न्यू जॉब आ गया है, नीचे की तरफ है बैंक नेम जो कि यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड होने वाला है। और यहाँ पे टोटल ओपनिंग के बारे में बात करें, यानी कि टोटल कितना भर्ती इस बैंक में निकाला गया है, तो टोटल यहाँ पे दोस्तों 400 प्लस वैकेंसीज है। यानी कि इंडिया के अंदर आपको 400 वैकेंसीज, 400 से ज्यादा पदों पे जॉब देखने को मिल जाएगा, अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग यहाँ पे पदों पे, जैसा कि आप देख सकते हैं बंपर भर्ती है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोफाइल है, मल्टीपल लोकेशंस पे जॉब है। ओपनिंग डिटेल्स में देखेंगे तो किस किस पद पे जॉब है, कुछ पदों के जॉब के बारे में यहाँ पे ऐड किया गया है, डिटेल दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे लीड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जॉब है और यहाँ पे स्पेशलिस्ट का जॉब देखने को आपको मिलेगा, एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब देखने को मिलेगा, सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर का जॉब है और यहाँ पे कस्टमर सर्विस मैनेजर का जॉब देखने को मिलेगा, ब्रांच रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब देखने को मिलेगा, लीड प्रोडक्ट ओनर का जॉब देखने को मिलेगा, बैंकर का जॉब देखने को मिलेगा और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर का भी जॉब देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे करके आपको यहाँ पे 400 प्लस 400 से ज्यादा यहाँ पे वैकेंसीज देखने को मिलेगा यहाँ पे IDFC बैंक में। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कैसे अप्लाई करना है तो अप्लाई मोड यहाँ पे ऑनलाइन है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि यहाँ पे इंडियन कैंडिडेट मेल फीमेल बोथ अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। एज यहाँ पे 18 है, मिनिमम 18 है। देखो यार, किसी भी कंपनी किसी भी सेक्टर में जॉब करने के लिए एज कम से कम 18 या फिर 18 प्लस मांगा जाता है। तो आपको अधिक जानकारी के लिए क्या करना है कि आपको जॉब का ऑफिशियल प्रोफाइल वेरीफाई कर लेना है जिसपे आपको आवेदन करना होता है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें कि यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा तो यहाँ पे इंटरव्यू, GD जो भी होगा वो यहाँ पे बैंक के रूल के हिसाब से होगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे ज्यादातर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए जॉब आपको देखने को मिलेगा। सैलरी यहाँ पे ऐसा कोई शो नहीं किया गया है, बट आपको गुड सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग आपके पोस्ट और यहाँ पे बैंक के रूल के हिसाब से। एप्लीकेशन फीस फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई फास्ट है, मतलब आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई करना है, डेट यहाँ पे नहीं है। अब बाकी कैसे अप्लाई करना है, कैसे ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल व्यू करना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला काम यह है कि आपको ये जो आर्टिकल है, आपको आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे मिलेगा
मिलेगा अप्लाई का बटन, अप्लाई के लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक न्यू पेज पे, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यह है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का जॉब का पेज, कैरियर का पेज। कहने का मतलब यह है कि जो भी यहाँ पे इस बैंक में भर्ती आता है, लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आता है, इसी पेज पे अपडेट होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं 488 ओपनिंग है, 488 ओपनिंग है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशंस पे, जैसे कि गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, मुंबई हो गया, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महाराष्ट्र हो गया, ऐसे करके काफ़ी सारे लोकेशंस पे यहाँ पे जॉब है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे जॉब का कीवर्ड, जॉब का टाइटल, लोकेशन देके जॉब सर्च कर सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से सिटी वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मुंबई, और यहाँ पे दिल्ली हुआ, हैदराबाद हुआ, चेन्नई हुआ, और यहाँ पे नोएडा हुआ, कोलकाता हुआ, तो अपने हिसाब से आप यहाँ पे लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, गुजरात, जयपुर, कर्नाटका, लखनऊ, और यहाँ पे अहमदाबाद, अलीगढ़, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारा लोकेशन है, तो आप अपने हिसाब से लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेवल है, फिल्टर है, यूज़ करना है तो कर लेना। बाकी आपको राइट साइड में यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा, जॉब प्रोफाइल देखने को मिलेगा, जो कि अभी हाल फिलहाल के डेट में अपडेट किया गया है। अब बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि कैसे हमें जॉब का प्रोफाइल व्यू करके कैसे हमें यहाँ पर आवेदन करना है, अप्लाई करना है, अगर हमें किसी भी पोस्ट पर अप्लाई करना है। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपको किस पोस्ट पर अप्लाई करना है, किस पोस्ट का आपको यहाँ पर डिटेल देखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे काफ़ी सारा रिक्रूटमेंट है अलग अलग पोस्ट पे, अलग अलग लोकेशंस पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे डेमो के लिए कोई भी पोस्ट सिलेक्ट करेंगे जिसपे हम आपको आवेदन करना सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं हरियाणा लोकेशंस का जॉब है, एसोसिएट कस्टमर सर्विस मैनेजर का जॉब है। अगर इसके लिए करना अप्लाई, पोस्ट का डिटेल देखना है, तो हम यहाँ पर ऐसा क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस पोस्ट का, इस पोजिशन का ऑफिशियल जॉब प्रोफाइल आप लोगों के सामने आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब ये जो प्रोफाइल है आपको अच्छे से रीड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जॉब का टाइटल है, प्लेस ऑफ वर्क, लोकेशंस बताया गया है, बिजनेस यूनिट्स वगैरह है, जॉब का कैटेगरी वगैरह भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा ये यहाँ पे मेंशन है, जो आप पढ़ सकते हैं। और नीचे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या मांगा गया है, आप देख सकते हैं ग्रेजुएट फुल टाइम यहाँ पे मांगा गया है, देख सकते हैं। अब अगर आपके पास ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, और यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब डिटेल पढ़ो, और अगर आप एलिजिबल हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे सिंपल सा काम है, यहाँ पे अप्लाई का बटन है जिस पर आप क्लिक करके बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं अप्लाई। अब कैसे अप्लाई करना है, आवेदन फॉर्म कैसे मिलेगा, कैसे भरना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, शेयर भी कर दो वीडियो को। देखो क्या करना है, सिंपल सा काम है, अप्लाई के बटन पर क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के सामने ऐसा पेज आएगा। यहाँ पे आपको अपना जीमेल आईडी एंटर करना है, इसके कुछ टर्म्स और कंडीशंस हैं, यहाँ पे एग्री करना है और नेक्स्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे जीमेल आईडी एंटर करके नेक्स्ट करेंगे तो आप लोगों के सामने ऐसा अप्लाई फॉर्म आ जाएगा, आवेदन फॉर्म आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस फॉर्म को आपको भर के यहां पे सबमिट करना है। अब ये फॉर्म कैसे भरना है मैं आपको बता देता हूं, सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां पे आपको फर्स्ट नेम देना है, फर्स्ट नेम जो आपका आधार कार्ड, एज पर आधार कार्ड ही फिल करना है, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट में हो। तो यहां पर हम एंटर कर देंगे डेमो के लिए राज, अब लास्ट नेम में वर्मा, फिर इसके बाद मिडिल नेम भी दे सकते हैं, बाकी यहां पर जीमेल आईडी है, यहां पर मोबाइल नंबर आपको अपना दे देना है, फिर यहां पर आ जाता है जेंडर, मेल फीमेल जो भी हो आप सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे सिंगल हो, अनमैरिड हो, मैरिड हो, जो भी हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आ जाता है DOB एंड PAN, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपना DOB देना है, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक नेशनल आइडेंटिटी मांगा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करो, जैसे आप यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पे एक आइडेंटिटी के लिए एक डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आप कंट्री सिलेक्ट कर लो, फिर नेशनल आईडी में कि आप लगा रहे हो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करो, परमानेंट अकाउंट नंबर, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या फिर आप अपने आधार कार्ड का नंबर दे दो, या फिर आप अपने पैन कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेशनल आईडी में यही ऐड करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड नेशनल आइडेंटिटी में क्या करना है, यहाँ पे आप अपना एक नेशनल आईडी ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप अपना यहाँ पे पैन कार्ड नंबर या आधार कार्ड नंबर दे दीजिएगा, और इसके बाद यहाँ पे डन कर दीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये लेवल ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाता है करंट एड्रेस, करंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस देना है, जैसे कि कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है, स्टेट, तो स्टेट जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा,
सिटी टाउन क्या है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पिन कोड, जो पिन कोड है वहाँ का वो भी एंटर करना है। एड्रेस आपको दे देना है। फिर यहाँ पे आता है टोटल एक्सपीरियंस बताना है, ईयर में या मंथ में। अगर आपके पास ईयर में है तो यहाँ पे बता देना, मंथ में है तो आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे सीटीसी बता सकते हो, जो वहाँ पे आपका सीटीसी था वो सब आप बता सकते हो। एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या चाहते हो वो सब आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप प्रेफर्ड लोकेशंस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन पॉइंट है यहाँ पे है रिज्यूमे का। देखो आपने जो डिटेल दिया वो ठीक है, बट जो मेन पॉइंट है वो रिज्यूमे का होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड रिज्यूमे पे क्लिक करके सबसे पहले तो यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड भी कर देना है। जैसे आप यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड पे लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसा अपलोडिंग होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे अपना रिज्यूमे अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पे ऐसा ग्रीन ग्रीन का सिग्नल मिल जाएगा, सेव्ड हो गया ये रिज्यूमे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज अपलोड योर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे आपको अपना एक फोटो भी अपलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करके अपना एक फोटो भी अपलोड करिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा। जैसे आप यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो एप्लीकेशन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे आपको एग्री और उसका जो भी आंसर होगा यहाँ पे देना है। और सिंपल सा काम है यहाँ पे एग्री करना और यहाँ पे आपको ई सिग्नेचर करना है। ई सिग्नेचर में आपको अपना पूरा नाम एंटर कर देना है, ऐसा मैंने डेमो के लिए एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप लोगों का यहाँ पे IDFC बैंक में बिल्कुल फ्री में अप्लाई हो जाएगा बिना किसी चार्ज के। सो इस प्रकार से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, अगर आपको यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में अप्लाई करना है रिक्रूटमेंट के लिए। सो यहाँ पे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बता दिया है। बाकी ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे एक ही पोस्ट पे जॉब देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 400 प्लस ओपनिंग है, 488 ओपनिंग है। तो आप लोग विजिट करो इस पेज पे और आप लोग देखो कि आपको किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, किस प्रोफाइल को व्यू करना है। प्रोफाइल को आप लोग क्लिक करके आसानी से व्यू कर सकते हो और यहाँ पे डिटेल रीड करके अगर आप एलिजिबल हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई के बटन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है अप्लाई ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बाकी वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। एंड जाते जाते एक जरूरी जानकारी देना चाहूंगा। देखो यार, अगर आपको कभी भी कोई कॉल करके, मेल करके किसी भी प्रकार का नौकरी के लिए पैसे की मांग करे, बोले हम इस कंपनी से, इस ऑर्गेनाइजेशन से बोल रहे हैं, इतना पेमेंट सेंड करिए, या OTP बताइए, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन होगा, डायरेक्ट भर्ती होगा, तो आपको इन सब झांसों में आके किसी को कोई भी पैसा नहीं देना है, ना तो कोई OTP का लेनदेन करना है। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी नए जॉब अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।